तो स्वागत है सबका एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने ये वाली गाड़ी एक बिल्ड किया था, एक ट्यून की थी, BMW Z4 Roadster। जिसने ये वीडियो नहीं देखी, प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, प्लीज उसको आप जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं उनके ही घर के सामने खड़ा हूं। तो उन्होंने मेरी बात हुई थी आफ्टर, जब मैंने ये उनको डिलीवर की थी गाड़ी, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या उनको अच्छा लगा और क्या क्या वो मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उनको सेम वही चीज़ मिली है, सेम वही चीज़ डिलीवर हुई है, वो ट्यूनिंग के साथ, वो पावर के साथ, वो कलर एंड अलॉयज रिम्स जो भी है उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी क्यों ना आप इसको टेस्ट करें। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैं पूरी तरह से इसको टेस्ट नहीं कर पाया था, थोड़ी सी इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ ये कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले साउंड, एग्जॉस्ट, लुक एट द एग्जॉस्ट। देखिए टर्बो की साउंड कितनी प्यारी साउंड है। मैं आपको अंदर से सुनाता हूँ, चेक आउट दिस, वाओ। थोड़ी सी रेस दे रहा हूं, तो कैसी लगी आप सबको ये साउंड, प्लीज कमेंट बॉक्स में कंजूसी मत किया करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, नहीं भी लगता फिर भी आप कमेंट करिए। तो चलते हैं, इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, थोड़ा हाईवे पे ले चलते हैं, थोड़ा सा ड्रिफ्ट वगैरह चेक करते हैं, इसकी हैंडलिंग चेक करते हैं, इसकी कितनी ये पुश हो सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने जो ये पुश की थी, इट्स ऑल ऑलमोस्ट 377 तक ये पहुँची थी, तो मे बी शायद ये थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, तो ट्राई करेंगे ज़रूर इस वीडियो में। बाकी प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है रोज़ा में, अब देखिए कि ये देख सकते हैं, सबसे पहले हाईवे पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक डोनट करने का जगह है, यही वाली आप देख सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम भी मैंने ड्रिफ्ट किया था, तो देखेंगे अगर ड्रिफ्ट हो पाएगा यहाँ पे तो। बाकी आपको कलर कैसा लगा गाड़ी का, गाड़ी का पेंट ज़रूर मुझे बताएं। लास्ट टाइम भी हमने हाईवे पे लाई थी तो इतना टाइम नहीं मिला था मुझे, और जो मेरी लास्ट वीडियो तो काफ़ी लेंथ में बहुत बन गई थी, वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की, तो वो मेरी पहली वीडियो थी एज अ मतलब वॉइस ओवर बोल दीजिए, या मैंने अपनी वॉइस इंट्रोड्यूस की है, तो पहली वीडियो थी, इट्स माय सेकंड वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और ऐसी वीडियो आपके सामने लाने का, काफ़ी कुछ है मेरे दिमाग में, काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम इस गेम में, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो काइंडली प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लाइक कर लीजिए, आप व्यू करिए, आप कमेंट करिए, ज़रूर बताइए अपने ओपिनियन भी, अगर आप कुछ सोचते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए तो ज़रूर यू कैन सेंड मी योर फीडबैक। बाकी चलो थोड़ा सा पुश करते हैं गाड़ी को, लेट्स गो। देखिए काफ़ी फास्ट है ये, आई थिंक 0 to 100 ये 4 point something seconds में जाती है, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, देखिए कितना ये कुछ हो सकती है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, आफ्टर स्पॉइलर और उसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है यार, पहले हमने स्पॉइलर इसमें यूज़ नहीं किया था,
बाद में मुझे काफ़ी कमी लगी थी, फिर मैंने इसमें रोल केज एंड आपके स्पॉइलर लगाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है, ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, आपके हैंडलिंग में आप देख सकते हैं स्पीड 370 पहुंच चुकी है। गॉड, पिछली बार से ज़्यादा पुश हुई है, आई थिंक ये और पुश हो सकती है 385। नाइस, काफ़ी अच्छा स्पीड है। काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ घूम रही है आज पोजो में। ये कौन सी है? पोर्शे। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ढूंढते हैं कोई अगर मिलेगा हमें रेस करने का, तो ज़रूर हम रेस करेंगे। ये कौन सी गाड़ी है? फोर्ड जीटी आई थिंक। हमने इधर को जाना है। देखिए थोड़ा फॉरेस्ट में जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और मैप को। ओ गॉड मैन, इसी चीज़ से तो डर लगता है। इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। बाकी मैं बता दूं, मैप बताता हूं आपको कि हमने कहां जाना है। मैं रुकता हूं साइड में, तो एक रूट सेट करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। बीच में कोई हमें रेस के लिए मिल जाएगा तो ज़रूर उसको फॉलो करेंगे, उसको चेस करेंगे। तो 2 मिनट में अभी यहाँ पे वेट करता हूँ, मैप दिखाता हूँ आपको। हम थोड़ा सा रूट सेट करते हैं। देखिए हम कॉर्नर में पहुँच चुके हैं बीच साइड, तो हम सोचते हैं कि यहाँ से ट्रैवल करके वापस अपने घर, यहाँ से पूरे फॉरेस्ट एरिया में पूरे झरने वगैरह होके, ये टनल है इस साइड से जहाँ हमको मार्क दिख रहा है, इसको क्रॉस करके फिर हम वापस आते हैं। चलो लेट्स गो। थोड़ा सा कंट्रोलिंग में देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए आगे गाड़ी आ रही है, पूछते हैं इसको कि भी थोड़ा सा ओए आ जा। इट्स आई थिंक फरारी। अब कौन सी गाड़ी है? पूछते हैं इसको कि ये इंटरेस्टेड है रेस के लिए, तो ज़रूर रेस करेंगे। नहीं यार, थोड़ी सी अभी भी मेरे को लगता है कि कंट्रोलिंग बेटर हो सकती है इसकी हैंडलिंग। बाकी चलते हैं। ये यहाँ कहाँ घूम के आ गया? तो चलते हैं, देखते हैं कोई अगर हमें रेस के लिए मिलता है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ पे बीच, तो चाहते हैं अंदर अगर हमें कोई रेस के लिए मिलता है तो डेफिनेटली हम रेस करना चाहेंगे। ये एपेक्स सिटी है यहाँ पे। देखिए कितने अच्छे विलाज है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। विलाज काफ़ी अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे शोज़ वगैरह जो भी होते हैं, यहाँ आप अगर जाना चाहे तो आप अपनी गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ तो कोई हमें मिला नहीं, तो ढूंढते हैं अगर अपने रास्ते में कोई हमें इंटरेस्टेड बंदा मिलता है
जो चाहता है कि रेस करे तो ज़रूर उसके साथ रेस करेंगे। लेट्स गो। अगर आप इस गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाओगे तो बहुत प्यारी है चलाने के लिए। अगर आपका एक बार इसमें थोड़ा सा स्टीयरिंग में हाथ बैठ गया तो काफ़ी मज़ेदार चलाने के लिए है। काफ़ी चिपक के चलती है, काफ़ी जम के चलती है गाड़ी, कोई इसमें अनबैलेंस नहीं होती। ये देखिए बुकाटी। चलो इसको पूछते हैं इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड रेस के लिए। चल भाई, काफी इंटरेस्टेड तो लग रहा है मुझे, बाकी देखते हैं। थोड़ी सी अपनी स्किल दिखाते हैं इसको। काफी मजा आएगा इसको चेज करने में। लेट्स सी। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं इसमें इसके साथ। आगे देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल है। वाओ क्या लोकेशन है बॉस, यहाँ तो ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग होगी। देखिए आप कितना अच्छा है। थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है कंट्रोल करने में, बट ठीक है क्योंकि इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग आ रही है। थोड़ा सा इसे छू गया। देखिए फिर से एक गांव के अंदर एंटर हो गए हम। भाग गया है, भाग गया है। देखते कहाँ ले जाता है हमें ये, काफी फास्ट है यार। अब चलते हैं सिटी की तरफ, चलते हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन में। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये कॉर्नर में बहुत पावर जनरेट करती है। ये देखिए बिना मैंने इसको जाने देते हैं। ओके बाय बाय, हम अपने वापस चलते हैं। तो काफ़ी अच्छी है अभी तक देखा जाए तो, काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। तो बुगाटी के साथ भी अच्छी रेस हुई और अच्छा, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कंट्रोल रहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और अभी लगता है मुझे कि आई नीड अ मोर प्रैक्टिस, नॉट थोड़ी प्रैक्टिस, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई हैव नो स्टीयरिंग व्हील, मैं आपको बता दूँ मैं स्टीयरिंग व्हील सिमुलेटर नहीं खेलता, मैं अभी जस्ट आपके कीबोर्ड से पूरा कंट्रोल करता हूँ एवरीथिंग। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कंट्रोल करने में गाड़ी में, क्योंकि अगर आप एक की दबाते हैं इफ़ यू वांट टू टर्न राइट, तो अगर आप नॉर्मल की दबाते हैं राइट के लिए तो वो पूरा ही टायर जो होता है वो टर्न हो जाता है, तो जिस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। अगर मैंने उतना टर्न भी नहीं होना फिर मैं पूरा टर्न हो जाता हूँ। देखिए ये पूरा टर्न हो गया, और फिर ब्रेक पे अगर मैं ब्रेक पे पैर रखता हूँ तो एकदम जाम हो जाता है।
आप देख सकते हैं, देखिए जाम हो जाता पूरा रोड। तो धीरे धीरे देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी करेंगे जैसा भी होगा। चलो वापस चलते हैं अपने, थोड़ा सा ड्रिफ्ट देखते हैं अगर कर पाऊँगा इस पर, फिर बाकी डिलीवर करते हैं वापस। उनको थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने मौका दिया कि आप एक बार फिर से ये चीज़ इस गाड़ी को आप चलाएं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रोजेक्ट मेरे पास आया है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। अरे यार भाई, मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया है। मेरे पास एक काफ़ी पुरानी गाड़ी है, तो आई थिंक 1979 या 1989 की गाड़ी है। तो मेरे को कहा गया है कि आप उसको प्लीज़ विज़िट करें उस लोकेशन में, अगर आपको लगता है कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं तो मैं ज़रूर। एबैंडन्ड कंडीशन में गाड़ी है, काफ़ी रस्टी एंड ओल्ड कंडीशन में है, तो मैंने खुद भी नहीं देखी अभी। बाकी देखते हैं कि अगर मैं उसमें काम कर पाऊँगा तभी मैं उस प्रोजेक्ट को लूँगा, पहले विज़िट ज़रूर करेंगे। बाकी आप ऐसा ही प्यार देते रहे, प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तब भी दे सकते हैं, नहीं लगती फिर भी मुझे बता सकते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। बाकी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के साथ से मैं इस YouTube को थोड़ा सा और करना चाहता हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी, पहले स्टार्टिंग में कुछ फील नहीं आ रहा था, और जब से मैं ये दूसरी वीडियो मेरी, तो काफ़ी इंटरेस्ट जाग रहा है। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ ऐसे ही दें। बाकी देखते हैं, ड्रिफ्ट की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार हो रहा है कई बार नहीं हो रहा। बाकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है रो, जितनी ब्रो आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते रहोगे। अभी मैं कीबोर्ड से इतनी ड्रिफ्ट कर पा रहा हूँ, जब मैं सिमुलेटर लूँगा, व्हील लूँगा, तो शायद मैं भी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा। देखिए आपने कितना अच्छा अभी पास लिया है मैंने इससे। चलो वापस रिटर्न करते हैं, इतना ही था इस गाड़ी के साथ मेरा सफ़र। अब शायद ये मुझे कभी नहीं मिलेगी, बाकी लौटाते हैं, थैंक यू करते हैं उनके लिए। बाकी जिनको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपके व्यूज़ है इसके रिगार्डिंग, कुछ आपको लगता है कि आपको इस पे काम करना चाहिए तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे अपना टाइम दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ दूं और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट दूं। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।